हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान के दूसरे मॉडल पेपर को यहां पे सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई लाइव क्लास हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहां पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? जो बिस्मार्क था वो क्या था? ए ऑप्शन है कवि, बी ऑप्शन है नाटककार, सी ऑप्शन है संगीतज्ञ, डी ऑप्शन है कूटनीतिज्ञ। तो जो बिस्मार्क था वो क्या था? तो ये एक कूटनीतिज्ञ था, यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहां पे दो नंबर प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? जो लेनिन था इसकी मृत्यु किस वर्ष हुई थी, आपको यहां पे बताना है। ए ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1922 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1923 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1924 ईस्वी में। तो जो लेनिन था इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में हुई थी, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि G8 की स्थापना कब हुई? ए ऑप्शन है यहाँ पे 1957 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1967 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1975 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1980 ईस्वी में। तो G8 एक संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1975 ईस्वी में हुई थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए चार नंबर प्रश्न की मुंबई में पहली आधुनिक वस्त्र मिल, सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई? ए ऑप्शन है बंदरगाह की सुविधा, बी ऑप्शन है कपास की उपलब्धता, सी ऑप्शन है पूंजी की उपलब्धता, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो मुंबई में पहली बार यहाँ पे आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण से स्थापित हुई? क्योंकि वहाँ पे बंदरगाह की भी सुविधा थी, कपास की भी उपलब्धता थी और यहाँ पे पूंजी की भी उपलब्धता थी, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न पांच नंबर। पांच नंबर प्रश्न है कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? बताना है कि विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? ए ऑप्शन है यहाँ पे मनाली से लेह तक, बी ऑप्शन है लद्दाख से पामिर तक, सी ऑप्शन है शिमला से लेह तक, डी ऑप्शन है कश्मीर से लद्दाख तक। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है प्रश्न कि संसार का सबसे ऊंचा सड़क कहाँ है, तो मनाली से लेके लेह तक की जो सड़कें हैं वो विश्व की सबसे ऊंची सड़क है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और जो भी प्रश्न आपको इसमें से याद नहीं होगा उसे प्लीज करके आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। छह नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? इसमें से आपको बताना है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, यानी नारियल सबसे अधिक किस प्रदेश में होता है। ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है यहाँ पे असम। तो यहाँ पे देखिए भारत में नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो जो केरल होता है यहाँ पे क्या होता है, नारियल सबसे अधिक होता है और मसाला भी सबसे अधिक होता है यहीं पे केरल में, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए सात नंबर प्रश्न है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? जो भारत में दल बदल कानून था वो किस वर्ष लागू हुआ, आपको बताना है। ए ऑप्शन है 1975 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1980 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1985 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1990 ईस्वी में। तो भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया, तो ये 1985 ईस्वी में किया गया, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आठ नंबर। आठ नंबर प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आठ नंबर, कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है भारत, डी ऑप्शन है फ्रांस। तो विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो जो अपना भारत है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो इसे याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए नौ नंबर प्रश्न है कि बिहार में आर्थिक
पिछड़प्पन का प्रमुख कारण है? ए ऑप्शन है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बी ऑप्शन है कृषि पर अत्यधिक जनाभार, सी ऑप्शन है बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो बिहार में आर्थिक पिछड़प्पन का प्रमुख कारण क्या है? तो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और कृषि पर जनाभार, यानी कृषि में सबसे ज्यादा लोग, अत्यधिक लोग जुड़े हैं कृषि से। और यहाँ पे देखिए बिहार में सुखाड़ और यहाँ पे बाढ़ हमेशा आते रहता है, तो इससे बिहार परेशान रहता है। यानी यहाँ पे बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? ये तीनों है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, 10 नंबर, मैकलेगन समिति बनाई गई, जो मैकलेगन समिति है वो किस लिए यहाँ पे कब बनाई गई थी, आपको बताना है। ए ऑप्शन है 1911 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1914 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1915 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1916 ईस्वी में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 10 नंबर की, मैकलेगन समिति बनाई गई थी ये कब बनाई गई थी? तो 1914 ईस्वी में बनाई गई थी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ए ऑप्शन है 1769 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1765 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1773 ईस्वी, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1775 ईस्वी। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1765 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, है कि इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रेरणा प्रेरक थे? यहाँ पे ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी यहाँ पे डी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। 12 नंबर प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रेरणा थे? तो ये कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना किसने किया था, आपको बताना है। ए ऑप्शन है एओ ह्यूम, बी ऑप्शन है डब्ल्यू सी बनर्जी, सी ऑप्शन है बद्रुद्दीन तैयब जी, डी ऑप्शन है यहाँ पे एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो एओ ह्यूम ने किया था, और कब किया था? तो 1885 ईस्वी में किया था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? यहाँ पे बताना है कि जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है फरवरी 1917 ईस्वी में, बी ऑप्शन है नवंबर 1917 ईस्वी में, सी ऑप्शन है अप्रैल 1917 ईस्वी में, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1905 ईस्वी में। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी बोल्शेविक क्रांति, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? ए ऑप्शन है यहाँ पे लुई ब्लॉन्क, बी ऑप्शन है यहाँ पे कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन है यहाँ पे रॉबर्ट ओवन, डी ऑप्शन है यहाँ पे लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे बताना है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये कार्ल मार्क्स ने किया था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 16 नंबर, 16 नंबर प्रश्न है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन है यहाँ पे पीने का बर्तन, बी ऑप्शन है पानी रखने की मिट्टी, सी ऑप्शन है रूस का सामंत, डी ऑप्शन है रूस का सम्राट। तो यहाँ पे देखिए रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, यानी रूस का राजा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? जो मजदूर दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1 अप्रैल, बी ऑप्शन है 1 मई, सी ऑप्शन है यहाँ पे 15 अप्रैल, डी ऑप्शन है यहाँ पे 8 मार्च। तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है, क्योंकि दोनों ही प्रश्न काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को यहाँ पे मनाया जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न कि हिंद ची पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ए ऑप्शन है यहाँ पे इंग्लैंड वासी, बी ऑप्शन है फ्रांसीसी, सी ऑप्शन है पुर्तगाली, डी ऑप्शन है यहाँ पे डच।
तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी यहां पे पुर्तगाली थे, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहां पे अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न की गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ए ऑप्शन यहां पे गुरुदयाल सिंह 1916 ईस्वी, बी ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद 1920 ईस्वी, सी ऑप्शन है लाला हरदयाल 1913 ईस्वी, डी ऑप्शन है यहाँ पे सोहन सिंह भाखना 1918 ईस्वी। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने किया और कब किया? तो गदर पार्टी की स्थापना यहाँ पे लाला हरदयाल जी ने किया, और कब किया? तो 1913 ईस्वी में किया, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है आप देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 1923 ईस्वी, गुरु गोलवालकर ने, बी ऑप्शन है यहाँ पे 1925 ईस्वी, के बी हेडगोवर ने, और यहाँ पे सी ऑप्शन है 1926 ईस्वी, चितरंजन दास ने, डी ऑप्शन है 1930 ईस्वी, लालचंद ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो 1925 ईस्वी में किसने किया था? तो के वी हेडगोवर ने किया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण है। ए ऑप्शन है यहाँ पे वनोन्मूलन, बी ऑप्शन है यहाँ पे अति पशु चरण, सी ऑप्शन है यहाँ पे अधिक सिंचाई, डी ऑप्शन है गहन खेती। तो पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है, और ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्या है, अधिक सिंचाई यहाँ पे क्या है, भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ए ऑप्शन यहाँ पे 7.1%, बी ऑप्शन है 19.5%, सी ऑप्शन है 5.5%, डी ऑप्शन है 10.5%। तो बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वनों का फैलाव है? तो यहाँ पे 7.1% वनों का यहाँ पे फैलाव है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते यहाँ पे अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? ए ऑप्शन है यहाँ पे कल्पक्कम, बी ऑप्शन है नरोरा, सी ऑप्शन है राणा प्रताप सागर, डी ऑप्शन है यहाँ पे तारापुर। तो भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन यहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ये तारापुर में किया गया था, और तारापुर कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए निम्नांकित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित हैं? यहाँ पे बिहार में आपको बताना है कि कहाँ जूट के कारखाने स्थापित हैं। ए ऑप्शन है कटिहार, बी ऑप्शन है नवादा, सी ऑप्शन है वैशाली, डी ऑप्शन है यहाँ पे बेगूसराय। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नांकित में से कहाँ जूट के कारखाने स्थापित हैं, तो ये कटिहार में स्थापित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 25 नंबर प्रश्न है कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है? ए ऑप्शन है हरा रंग से, बी ऑप्शन है पीला रंग से, सी ऑप्शन है लाल रंग से, डी ऑप्शन है भूरा रंग से। तो मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है? तो हरा रंग से दिखाया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है पटना, सी ऑप्शन है नालंदा, डी ऑप्शन यहाँ पे मुंगेर। तो सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? तो ये पटना है सबसे अधिक आबादी वाला जिला, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न, और ये काफी ही महत्वपूर्ण है कि बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है? ए ऑप्शन यहाँ पे 1842 ईस्वी से, बी ऑप्शन है 1860 ईस्वी से, सी ऑप्शन है 1858 ईस्वी से, डी ऑप्शन है 1862 ईस्वी से। तो बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो 1860 ईस्वी से माना जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। यहाँ पे बताना है कि बिहार की कितनी जनसंख्या है, कितनी प्रतिशत जनसंख्या है जो कृषि के कार्य करते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे 80%, बी ऑप्शन है 75%, सी ऑप्शन है 65%, डी ऑप्शन है यहाँ पे 86%। तो बिहार राज्य के कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी हुई है, तो 80% बिहार की जनसंख्या कृषि में लगी हुई है यानी कृषि कार्य में लगी हुई है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है यहाँ पे तमिलनाडु। तो यहाँ पे देखिए पारादीप पतन यानी पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। ए ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन है दूसरा, सी ऑप्शन है तीसरा, डी ऑप्शन है यहाँ पे चौथा। तो गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तो दूसरा है, आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चावल उत्पादन में भी भारत का स्थान कौन सा है, तो दूसरा है, और पहला स्थान किसका है, तो चाइना का है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है बांग्लादेश, डी ऑप्शन है ब्रिटेन। तो किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो जो ब्रिटेन है इसमें बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। ए ऑप्शन है 1992 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1999 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 2000 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 2004 ईस्वी में। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1999 ईस्वी में हुआ, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। ए ऑप्शन है 10%, बी ऑप्शन है 15%, सी ऑप्शन है 33%, डी ऑप्शन है यहाँ पे 50%। तो 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तो मात्र 10% थी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है पेड़ काटने की विरोध से, बी ऑप्शन है आर्थिक शोषण की मुक्ति से, सी ऑप्शन है शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, डी ऑप्शन है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो पेड़ काटने के ये विरोध से संबंधित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। जो दल बदल कानून है वो किस पे लागू होता है, आपको बताना है। ए ऑप्शन है सांसदों और विधायकों पर, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति पर, सी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति पर, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी पर। तो दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है, तो सांसदों और विधायकों पर लगाया जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 36 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। ए ऑप्शन है एक स्तरीय, बी ऑप्शन है दो स्तरीय, सी ऑप्शन है तीन स्तरीय, डी ऑप्शन है यहाँ पे चार स्तरीय। तो यहाँ पे देखिए बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं कितनी स्तर की हैं, तो ये तीन स्तरीय हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण था ये प्रश्न, तो ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि इंदिरा गांधी ने 25 जून में आपातकाल की घोषणा की थी, यानी कब की थी, 25 जून यहाँ पे कितने वर्ष में, यहाँ पे किस वर्ष में आपातकाल की घोषणा की थी। ए ऑप्शन है 1971, बी ऑप्शन है 1972, सी ऑप्शन है 1975, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1976। तो इंदिरा गांधी ने 25 जून और यहाँ पे देखिए 1975 को आपातकाल की घोषणा की थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 38 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा संविधान की किस सूची का विषय है। यहाँ पे जो
शिक्षा है वो संविधान की किस सूची, यानी यहाँ पे खाली स्थान दे दिए गए, पूछ रहे हैं कि किस सूची का यहाँ पे विषय है। ए ऑप्शन है संघ सूची, बी ऑप्शन है राज्य सूची, सी ऑप्शन है समवर्ती सूची, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षा है वो संविधान के किस सूची का विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। इस पे यहाँ पे केंद्र सरकार भी अपना नियम लगा सकता है और राज्य सरकार भी अपना नियम लगा सकता है। इसीलिए जो शिक्षा है वो किस संविधान के किस सूची में रखा गया है, तो समवर्ती सूची में रखा गया है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। ए ऑप्शन है अपने क्षेत्र से लगाओ, बी ऑप्शन है राष्ट्रहित, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता, डी ऑप्शन है यहाँ पे अलगाववाद। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण क्या है, तो ये एक अलगाववाद है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, जो व्यावसायिक बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ए ऑप्शन है 1966 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1980 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1969 ईस्वी, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1975 ईस्वी। तो यहाँ पे व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1969 ईस्वी को किया गया, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 41 नंबर प्रश्न है कि पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा। ए ऑप्शन है कोका कोला ने, बी ऑप्शन है एलजी ने, सी ऑप्शन है यहाँ पे रिबॉक ने, डी ऑप्शन है यहाँ पे नोकिया ने। तो पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा, तो कोका कोला ने खरीदा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन है 1934 ईस्वी को, बी ऑप्शन है 1935 ईस्वी को, सी ऑप्शन है 1948 ईस्वी को, डी ऑप्शन है 1951 ईस्वी को। तो भारतीय रिजर्व बैंक जिसे भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है और ये बैंकों का भी बैंक इसे बोला जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 43 नंबर प्रश्न है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है। ए ऑप्शन है यहाँ पे प्रोफेसर पिंगू का, बी ऑप्शन है मार्शल का, सी ऑप्शन है यहाँ पे रेगनर नर्क्स का, डी ऑप्शन है यहाँ पे जॉन माउंट का। तो यहाँ पे देखिए गरीबी गरीबी को जन्म देता है, यह कथन किसका है, तो रेगनर नर्क्स का ये क्या है कथन है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि सखा समितियों की संख्या है कितनी है, आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 6842, बी ऑप्शन है यहाँ पे 6880, सी ऑप्शन है यहाँ पे 6841, डी ऑप्शन है यहाँ पे 6843। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि शाखा समितियों की संख्या कितनी है, तो 6842 है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 45 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सी ऑप्शन है उद्योग क्षेत्र को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से पहचानना है कि किस क्षेत्र को यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो उद्योग और निर्माण क्षेत्र होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो कृषि क्षेत्र होता है वो पहला क्षेत्र होता है, और जो सेवा क्षेत्र होता है वो दूसरा क्षेत्र होता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। और जो उद्योग और निर्माण होता है वो कौन सा क्षेत्र होता है, यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न है कि देश में जिला फार्मों की संख्या है। ए ऑप्शन है 582, बी ऑप्शन है 482, सी ऑप्शन है 682, डी ऑप्शन है यहाँ पे 382। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश में जिला फार्मों की संख्या कितना है, तो 682 है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार करना चाहिए। ए ऑप्शन है ठंडा पानी डालना चाहिए, बी ऑप्शन है गर्म पानी डालना चाहिए, सी ऑप्शन है अस्पताल पहुंचाना चाहिए, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अगर थोड़ा सा जला हो तो उसमें हम पानी डाल सकते हैं जले हुए स्थान पे, अगर आदमी पूरी तरीका से जल गया हो तो उस पर पानी नहीं डाला जा सकता, उसको सबसे पहले यहाँ पे अस्पताल ले जाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए भाग पर
प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ठंडा पानी डालना चाहिए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखिए, किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है भारत, डी ऑप्शन है यहाँ पे बांग्लादेश। तो किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो जो जापान होता है इसे क्या बोला जाता है, भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है, क्योंकि जापान में बराबर भूकंप आता है, आते रहता है, इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इसमें से जो भी आपको प्रश्न याद नहीं होंगे उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है, ये आपका होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है कि किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है। ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है हरियाणा, डी ऑप्शन है यहाँ पे मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है, तो ये आपको क्या करना है, जो भी इसमें से ऑप्शन सही होगा वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं 8 बजे वाली क्रैश कोर्स में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।